दोस्तों एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्रेड फंड। देखने में पूरी तरह से ये आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन लग रहा है और कंपनी खुद बता रही है कि आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा क्रेड फंड के ऊपर कि ये क्रेड फंड जो एप्लीकेशन ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, इससे लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, हमारा काम है वीडियो बना करके आपको देना, ठीक है। वीडियो आप पूरा देखा करो। कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते, एप्लीकेशन का नाम सुनते हैं और इंस्टेंटली उसको जो है इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखो, कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा एप्लीकेशन रियल है कि फेक है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो यहां पर क्या लिखा है, लोन अप्रूव, ठीक है, मतलब हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो 100% है और यहाँ पर बैंक डिटेल है वो भी 100% है और केवाईसी वेरिफिकेशन 100% हो चुकी है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ रह गया है कि जो हमको पैसा मिला है वो 50% है, मतलब पैसा मिल चुका है बट बैंक में विड्रॉ नहीं किया है मैंने। जैसे बैंक में विड्रॉ करता ये भी 100% हो जाता। तो देखो भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड पर क्लिक करते हैं तो एक कार्ड भी यहाँ पर नज़र आता है। अब ये होता कैसे, देखो जब हम यहाँ पर ये लोन जो है सेंक्शन कराएंगे, मतलब लोन को जो अपने बैंक को ट्रांसफर कराएंगे, तो जितना लोन बैंक को ट्रांसफर कराएंगे वो यहां पर दोस्तों शो करा दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों यहाँ पर जितना पैसा बचेगा वो यहाँ पर शो करा दिया जाएगा। और अगर आप ये भी पैसा विड्रॉ लगाना चाहते हो तो विड्रॉ अमाउंट पर क्लिक करके आप इसको भी विड्रॉ लगा सकते हो, ठीक। तो ये कंपनी टोटली देखने में ऐसा लग रहा है कि आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म है, लेकिन जैसे हमने इसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अपना जो है प्रोफाइल कंप्लीट किया, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिला वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं लोन्स वाले सेक्शन पर। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा है कि 50,000 रुपये का जो लोन है वो आपका अप्रूव्ड हो चुका है। अप्रूव्ड की जो तारीख है वो थी दोस्तों 14/8/2023 की। अब इसमें देखो जो टाइमिंग हमको मिला है वो मिला भैया 6 मंथ का, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 26% पर एनुअल के हिसाब से। लेकिन हमने यहाँ पर जो ये पैसे विड्रॉ नहीं लगाए हैं इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम अवेलेबल नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बैंक डिटेल्स लिख के आ जाती है, ओके। और यहाँ पर क्या लिखा है आप ऊपर पढ़ सकते हो कि अगर आपको 50,000 रुपये का लोन लेना है तो सबसे पहले आपको 1650 जो है वो देने होंगे इनको पैसा इंश्योरेंस फीस के नाम से। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपको पैसे लेने 50,000 तो इंश्योरेंस के नाम में आपको 1650 रुपये देने होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी आरबी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो लोन प्रोवाइड वास्तविक करती हैं वो आपके लोन अमाउंट में से ही इंश्योरेंस फीस, एग्रीमेंट फीस और यहाँ पर जो है GST फीस और जो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है, जितना भी फीस बनती है ना सब कुछ काट लेती है और उसके बाद जितना पैसा बचता है वही पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करती है। हालांकि ये पहले से ही 1650 रुपये मांग रही है। तो यहाँ पर देखने के बाद मुझे लगा है कि क्रेडिट फंड बिल्कुल बेकार एप्लीकेशन है मेरे भाई। क्रेडिट फंड कंपनी से आपको लोन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके 1650 रुपये भी चले जाएंगे और आपको लोन भी नहीं मिलेगा। और आरबीआई से रजिस्टर्ड भी ये कंपनी नहीं है, लिखने से कुछ भी नहीं होता। जो भी रियलिटी है वो मैंने आपके अपने इस वीडियो में सामने बताई है। अगर आप फिर भी नहीं मानना चाहते मेरी बात को तो भाई आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कंपनी जो आपसे पहले लोन देने के नाम से कुछ एडवांस फीस मांगती है वो कतई आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाती है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। बाकी आप पे निर्भर है, आपको जो करना हो कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी अदर कन्फ्यूजन आपके मन में है तो और कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।